यहाँ आप देख सकते हो माता रानी की काफ़ी प्यारी प्यारी मूर्ति लगभग बन के कम्प्लीट हो गया है दोस्तों। ये मूर्ति मुझे तो लगता है पूरा कम्प्लीट हो गया, थोड़ा बहुत कुछ कलर का अपडेट होना बाकी है। जितने भी मूर्ति है दोस्तों सारे में लगभग कलर वगैरह 80 से 90% कम्प्लीट हो चुका है। और ये आप लोग देख सकते हो भाई, क्या ही मूर्ति बना है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हो। और ये इधर देख सकते हो, ये माता रानी छिन्न मस्तिके का है ये भाई। ये तो लगता मुझे लगभग 15 से 20 फीट का होगा दोस्तों। और ये आप लोग देख सकते हो भाई, काफ़ी प्यारा प्यारा यहाँ मूर्ति माता रानी का, और इनका श्रृंगार का काम यहाँ महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा, मैं राधे आर्ट्स गैलरी गया हुआ था दोस्तों माता रानी के मूर्तियों का अपडेट देखने के लिए और दिखाने के लिए। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के जरूर देखिए। और आज मैं दोबारा से आया हूँ दोस्तों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के थानोद में, और एक वर्कशॉप, और ये वर्कशॉप है दोस्तों प्रेम लाल भैया का। और ये है दोस्तों प्रेम लाल चक्रधारी जी का वर्कशॉप, इनका टोटल 3 वर्कशॉप है। ये मैं पहले वाले वर्कशॉप में आया हूँ, और इसके बाद मैं दूसरा और तीसरा वर्कशॉप में भी जाऊँगा। अंदर जाकर के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ माता रानी का मूर्तियों का अपडेट, काफ़ी कुछ बन चुका है, फिनिशिंग टच होने वाला है, क्योंकि अब सितंबर का लास्ट 2-3 दिन बचा है दोस्तों। इसके बाद फिर अक्टूबर में दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो ये अपन अंदर आ गए हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई मूर्तियों का अपडेट यहाँ काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। मूर्ति वगैरह सारा कुछ लगभग 60-70% बन गया है। और ये आप लोग देख सकते हो भाई, क्या ही मूर्ति बना है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है भाई साहब। और ये इधर देख सकते हो, ये माता रानी छिन्न मस्तिके का है ये भाई। ये तो लगता मुझे लगभग 15 से 20 फीट का होगा दोस्तों भाई। ये कलर होने के बाद भाई क्या ही ज़बरदस्त लगने वाला है दोस्तों। ये मैं आऊँगा और 1-2 दिन के बाद, और उस वक्त जब तक इसका कलर अपडेट हो जाएगा तब ये मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, काफ़ी बढ़िया लगने वाला। और ये मूर्ति का कलर हो गया दोस्तों, कुछ कुछ फिनिशिंग बाकी है। इधर शेरों का जो है इनका भी कलर, इनमें बाल बाल लगाया जा रहा, काफ़ी मेहनत का काम है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हो भैया लोग इधर काफ़ी बेहतरीन तरीके से भाई साहब। काफ़ी मेहनत का काम है दोस्तों, सारे शेरों में बाल लगना है, आँख वाक में और शरीर में सारे में कलर होना बाकी है दोस्तों। और यहाँ गांव के बच्चे से लेकर के बड़े तक सब यहाँ मूर्ति वर्ति बीच बीच में आते रहते हैं देखने के लिए। और यहाँ छोटे छोटे मूर्तियों का आप लोग देख सकते हो माता रानी का। और इधर की जो मूर्ति है दोस्तों वो सब में कलर होना बाकी है, बाकी मैं दूसरा साइड भी जा करके आप लोगों को दिखाता हूँ उधर का भी अपडेट। और इधर भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारा प्यारा माता रानी का लगभग मूर्ति बन के कम्प्लीट ही हो गया है दोस्तों। और ये इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों अंदर का अपडेट, काफ़ी बढ़िया काफ़ी कलर के साथ मूर्तियों का जो अपडेट है दोस्तों काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अरे भैया जिनका ये वर्कशॉप है ये यहाँ देख रहे हैं मूर्तियों में क्या कुछ करना और बाकी है। और ये मूर्ति आप लोग देख सकते हो दोस्तों भाई साहब, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ सारा मूर्ति, एक से एक प्यारी प्यारी माता रानी की मूर्ति दोस्तों। लगभग किसी में कम्प्लीट हो गया है, किसी का कुछ कुछ काम बाकी है होना भाई साहब। यहाँ भी अंदर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इसके बावजूद भी भैया लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं मूर्तियों का काम। और इनका आँख खुलना बाकी है इसमें, और कुछ कुछ सारे कुछ अपडेट होना बाकी है दोस्तों। और बात करूँ मैं इधर अंदर साइड और मूर्तियों की, तो इधर की मूर्तियों में लगभग 80% काम हो गया। इधर देख सकते हो आप लोग महिलाएं से लेकर के, यहाँ महिलाएं भी है 5-7 जो कि काम कर रही है, लगे हुए कंटिन्यू। और ये आप लोग देख सकते हो भाई, काफ़ी प्यारा प्यारा यहाँ मूर्ति माता रानी का, और इनका श्रृंगार का काम यहाँ महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है भाई साहब। एक से बढ़कर एक मूर्ति दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हो माता रानी का, अलग अलग कलर में। हाँ भाई लोग भी देख सकते हो आप लोग, कलर वलर का काम में लगे हुए हैं कंटिन्यू भाई साहब, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। मैं पहली बार आया हूँ इनके वर्कशॉप में, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका वर्कशॉप, काफ़ी बड़ा वर्कशॉप है इनका। और यहाँ वर्कर भी काफ़ी सारे हैं, महिलाएं से लेकर के भैया लोग काफ़ी कंप्लीट काम वाम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत का काम है भाई ये तो भाई साहब। यहाँ एक मुझे मूर्ति में आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या ही रूप दिया गया है भाई। भाई साहब एक से बढ़कर एक। तो आइए दोस्तों यहाँ मैं काम कर रहे भैया और महिलाओं से थोड़ा बातचीत करता हूँ, वो लोग कब से यहाँ काम कर रहे। नमस्ते दीदी, तो आप लोग यहाँ कब से काम वाम कर रहे?
अमन बचपन से काम कर, बचपन से ही कर रहे हैं क्या? कितना टाइम लग जाता है माता रानी का ये श्रृंगार का काम करने में? लगभग एक मूर्ति में कितना टाइम लग जाता है? एक घंटा। एक घंटा लग जाता है क्या? तो ये मतलब एक से दो दिन में पूरा मूर्ति कंप्लीट हो जाएगा? हाँ। यहाँ आपके यहाँ वर्कशॉप में इस बार सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ के लिए बन रहा है, कुछ बता सकते हैं क्या? ये आइए थोड़ा मैं भैया से बात करता हूँ। नमस्ते भैया, आपको तो सबसे पहले बधाई, इतने प्यारे प्यारे आप लोग मूर्ति बना रहे हैं। तो भैया मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए कि इस बार आपके वर्कशॉप में सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ के लिए बन रहा है? ठीक, मेरा नाम राजेश कुमार चक्रधारी, मूर्तिकार ग्राम धनौतकों में, और मेरे यहाँ सबसे बड़ा मूर्ति जा रहा है चौकी में, अम्बागढ़ चौकी में जा रहा है। कम से कम 15 फीट का मूर्ति जा रहा है, और ये भानु प्रतापपुर का है, कोरबा का है, लांजी का है, गोंदिया का है, और उड़ीसा का भी मूर्ति है। मतलब छत्तीसगढ़ से मेरे यहाँ ना 6-7 मूर्ति जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपका ये वर्कशॉप, काफ़ी प्यारा काम चल रहा है। लगभग दो दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या? ये जो मूर्ति देख रहे हो, ये मूर्ति जाएगा भानु प्रतापपुर का। चलिए बढ़िया। चलिए दोस्तों, मैं भैया से बातचीत किया, काफ़ी इनका 2 या 3 वर्कशॉप है क्या आप लोगों का? तीन वर्कशॉप है। मैं इधर से जाते जाते दूसरे और तीसरे वाले वर्कशॉप में हो सके तो अंदर जा करके आप लोगों को वहाँ का भी अपडेट दिखाऊंगा। वहाँ लगभग कंप्लीट हो गया है सारा मूर्ति ना? हाँ, ये इनका पहले वाले वर्कशॉप में काम चल रहा है, दूसरे और तीसरे वाले में लगभग कंप्लीट होके कवर पैकिंग वगैरह सारा कुछ हो गया। मैं वहाँ फिर भी जा करके आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ से अब निकल के जाता हूँ इनके दूसरे और तीसरे वर्कशॉप में, और वहाँ का भी सारा अपडेट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ देख सकते हो आप लोग दोस्तों, 2 से 3 महिलाएं लगी हुई है माता रानी के श्रृंगार में। भाई काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। भाई देख सकते हो, मैं थोड़ा सामने से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये माता रानी का श्रृंगार का काम चल रहा है। भाई ये लकड़ी के हैमर से ये चीज़ों को लगाया जा रहा है, पहनाया जा रहा है। भाई साहब ये पायल पहनाया जा रहा है दोस्तों अभी ये माता रानी को। फिर यहाँ चूड़ी वूड़ी लगभग देख सकते हो आप लोग पहनाया गया है, और इधर ये आप लोग देख सकते हो भाई, सारा चीज़ काफ़ी प्यारा लग रहा है। भाई श्रृंगार करते हुए माता रानी को महिलाएं काफ़ी मेहनत से ये सारा काम कर रही है। अरे भाई साहब ये देख सकते हो आप लोग। अरे भाई, तो चलिए दोस्तों, अपन प्रेमलाल चक्रधारी भैया के वर्कशॉप से निकल के जा रहे हैं। इनका दूसरा और तीसरा वर्कशॉप भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो के यहाँ तक देख लियो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका ये वर्कशॉप, काफ़ी मूर्तियों में प्यारा प्यारा रूप दिया गया, कलर के साथ काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब मैं जाता हूँ भैया के दूसरा और तीसरा वर्कशॉप भी जाता हूँ, और वहाँ जा करके वहाँ का भी अपडेट दिखाता हूँ। वहाँ लगभग सारी मूर्तियों को कवर करके रखा गया है, सारा मूर्ति लगभग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बावजूद मैं अंदर जाऊँगा, देखूँगा वहाँ का थोड़ा मूर्ति वगैरह आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों।